परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित ना होकर अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना ही हमारा धर्म है। गीता ज्ञान हमें इस सत्य से अवगत कराता है कि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ अपनी आगे की यात्रा पर अग्रसर होती है, तो क्या ऐसे में मृत्यु पर शोक करना उचित है? ओम शांति। देवभूमि भारत में सदियों से सभी भारत वालों के दिलों में राज करने वाली ऋषियों, तपस्वियों, असाधारण मनुष्यों के लिए भी मार्गदर्शी, यूं कहे एक डिक्शनरी, जीवन की हर समस्या का समाधान जिसमें उपलब्ध है, ऐसा ज्ञान गीता ज्ञान वारिधि स्वयं भगवान वाच। सुनते सुनते अपने अंदर समाते हुए बहुत अच्छी एक आंतरिक बदलाव की झलक हम अनुभव कर रहे हैं। विषादग्रस्त मनोदशा में अपने को हताश महसूस करते हुए अर्जुन को छोटी छोटी बातों की ज्ञान देते हुए वास्तविक जीवन और ज्ञान की गहराई को साथ में लेते, जैसे कि मानो अर्जुन की उंगली पकड़ के चला रहे हैं, तो हमारा भी ये सुखद अनुभव है कि हम भी साथ साथ उसी महसूसता में आगे बढ़ रहे हैं। हम आप सभी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गीता ज्ञान की रोशनी में हमारा जीवन धन्य धन्य होते जा रहा है। तो इसी रोशनी को आगे बढ़ाते हुए जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया कि शोक करने की जरूरत ही क्या है, किसके बारे में शोक करने जा रहे हो, शोक करना जिसके बारे में जरूरत ही नहीं है क्यों कर रहे हो, और ये पंडित के लक्षण नहीं है, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। और प्रज्ञावाद भी यही कहता है, अपने प्रज्ञा को, अपने कॉन्शियस को अच्छी तरह से पहचानो, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करो। इसी को आगे बढ़ाते हुए गीता ज्ञान की ये रोशनी से हमें एक छोटी सी ये बात तो समझ में आ गई, जैसे नाव चलाने वाला हवा के दिशा को पहचान कर उसी दिशा में नाव को आगे बढ़ाते जाता है, उद्देश्य की ओर भी जाता है और हवा का लाभ भी लेता है।
उसी तरह हमारे जीवन नैया का भी खेवैया मिल गया हमें, और मन की परेशानियों की तूफान में भटके हुए मन को फिर से सही दिशा में ले जाने वाला खेवैया हमें साथ ले जा रहे हैं। और भगवान की बातें भी हमें ठीक लगने लगी, हाँ ठीक है ना, सच है। तो इसे हमारी भावना को अपने अंदर की सच्चाई की ओर आगे बढ़ाते हुए भगवान बहुत सुंदर ये बातें अर्जुन को समझाते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिहि धीरः तत्र न मुह्यते। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक छोटू सा बेबी माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, शिशु कहलाता है, शैशवावस्था में होता है, बहुत छोटा सा, आंख खोलते भी किसी को पहचानता भी नहीं है, लेकिन धीरे 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 यौवनम देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह ले लिया, छोटू बेबी से थोड़ा बना बड़ा बन गए, कौमारावस्था में आ गए, खेल पाल इसमें उसमें व्यस्त हो गए, फिर कुमार अवस्था से कौमार अवस्था से प्रौढ़ अवस्था से आगे बढ़े, युवक बन गए, कमाने शुरू हो गए, समझा कि सेटल हो गए, सब कुछ मिल गया, घर बन गया, पति पत्नी सभी आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत कुछ कमाया, फ्रेंड्स रिश्तेदार पैसे गाड़ी बंगलो सब कुछ आ गया, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। जैसे शैशवावस्था से कौमार्यावस्था आ गई थी, कौमार्यावस्था से यौवन आ गया था, यौवन के बाद वृद्धावस्था बुढ़ापा भी आ गया। कोई नहीं रोता है कि अरे कल मैं बच्चा था आज बड़ा कैसे बन गया, मुझे बच्चा ही रहना था, अभी तक मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि मैं बच्चे से बड़ा क्यों बन गया इसके लिए रोते हुए, हाँ लेकिन जरूर इसके लिए रोते हुए देखा है कि मुझे बुढ़ापा क्यों आ गया, ये भी एक अज्ञान है। बात निकली है तो मैं आपके सामने एक अनुभव रख दूं। हमारे पास एक माता जी रोते हुए एक दिन पहुंची, तो मैंने कहा माता जी रोते क्यों हो, क्या समस्या है? उन्होंने कहा दीदी बस में चढ़ती हूँ, दुकान में जाती हूँ, रास्ते में चलती हूँ, सभी मुझे कहते हैं आंटी, या कोई मुझे दादी भी कह लेता है, मुझे रोना आता है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं मुझे हंसना है या रोना है उसके बाद सुन के। मैंने कहा क्यों क्यों सभी आपको दादी माँ कहते हैं या आंटी जी कहते हैं? कहते कि मेरे बाल है ना सफ़ेद होने लग गए हैं, और मेरे पुत्रों को भी मैं कहती हूँ मुझे अम्मा कहला करो, मुझे दादी मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो भी वो मुझे दादी कहते हैं। फिर मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा, कोई व्यक्ति समझो तहसीलदार है, जॉब कर रहा है, उसका पोस्टिंग है तहसीलदार, कल को उसको प्रमोशन होता है, वो SDM बन जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, प्रमोशन हो गया, तहसीलदार से जब SDM बन गया तो खुशी होगी ना, SDM का पोस्ट मिल गया, कल को और प्रमोशन हो गया, वो कलेक्टर बन गया। जब नौकरी में तरक्की करते हैं, प्रमोशन मिलता है, तो मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, तो जिंदगी में रिश्तों में जब प्रमोशन हो जाता है तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? रिश्तों में प्रमोशन ही तो है ना, कल आप मम्मी कहलाते थे आज आप दादी कहलाते हो, तो ये प्रमोशन है ना, व्हाई नॉट यू आर एक्सेप्टिंग द ट्रुथ, सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? जब आप सत्य को स्वीकार कर लोगे तो जीना आसान हो जाएगा, तो मन परेशान नहीं होगा, दुख नहीं होगा, इंसल्ट फील नहीं होगा। भगवान यही बातें कितने अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जैसे शरीर लेने के बाद ये अवस्थाएं नॉर्मल है, कॉमन है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, शरीर भी तो प्रकृति का एक टुकड़ा है, हिस्सा है, इसमें भी जैसे प्रकृति के
अंदर हम देखते आज हरे पत्ते हैं, कल पतझड़ जाएंगे, सारे गिर जाएंगे, लेकिन गिरता हुआ पत्ता कभी रोता नहीं है, दूसरा पत्ता अपना जगह ले लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पकड़ के रखना चाहते हैं, हम यौवन को पकड़ के रखना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को युवक साबित करना चाहते हैं, जिसके कारण आज फॉर्मल दुनिया में भी दुख ही दुख नजर आ रहा है। ऐसे अर्जुन की भी मनोदशा थी। इसी बात को लेकर भगवान ये समझाते हैं, जैसे शरीर में अवस्थाएं चेंज होना नॉर्मल है, शैशवावस्था से कौमारावस्था, कौमारावस्था से यौवनावस्था, यौवनावस्था से बाद में वृद्धावस्था, इसी तरह शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर लेना भी नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये निरंतर है। जब इन बातों को हम स्पष्ट तरह से यहां से समझने का प्रयास करते हैं, अर्जुन को ये बातें जब भगवान ने समझाई, अर्जन करने के लिए वो बैठा हुआ है, वो स्वीकार करता है, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन वो बात जो भी भगवान समझाते उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए अपने मन को इतना विश्वाल और भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखने की बहुत जरूरत है। इसलिए हम आप भी अपने आप को ये समझा दें कि शरीर मात्र एक एक्ट करने के लिए हमें मिला हुआ है, शरीर एक माध्यम है, जिसके लिए नहीं हमने सुना कि शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम है, मीडिया है धर्म साधन करने के लिए। और आगे चलकर बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिलता है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगमापायिनो नित्याः तांतितिक्षस्व भारत। देखिए बाहर की दुनिया में स्पर्श से एक अनुभव होता है और गंध से कुछ अनुभव होता है, शीतोष्ण का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, ये तो होना ही है, आगमा पाइनो ये आने जाने वाले हैं, आता है और जाता है, विंटर गया और समर आ गया, समर गया फिर आ गया रेनी सीजन। बारिश के मौसम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए 12 महीना बारिश का मौसम तो हो नहीं सकता, मुझे ठंडी बहुत अच्छी लगती है, तो 12 महीने आप ठंडक की महसूस का अनुभव नहीं कर सकते, विंटर नहीं रहेगा, ये सीजनल चेंजेस होना ही है, बाह्य परिवर्तन, इसे सहन करना जरूरी है, सहन करना सीखो, तांतितिक्षस्व भारत, इन सबको सहन करना सीखो। बाहर से जो सुख दुख शीत उष्ण रस गंध स्पर्श इस सब की अनुभूतियां जो हो रही है, और इंपॉर्टेंट क्या है, जब मुझे शीत चाहिए तभी अगर मुझे शीत की अनुभूति हो, मुझे कूल चाहिए तब मुझे कूल की अनुभूति हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं नहीं चाहती हूं तब अगर अनुभूति हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम ये याद रखें, सीजन हमारे मूड के अनुसार नहीं बदलने वाली है, बदली हुई सीजन के साथ हमें अपने आप को ढालना है, एडजस्ट करना है। यहाँ भगवान ने कहा है तान तितिक्षस्व भारत, भगवान खुद कहते हैं सहन करना सीखो, इससे एक मतलब तो स्पष्ट हो गया, सहन करना, सहनशीलता एक डिवाइन वैल्यू है, जो खुद भगवान कह रहा है कि सहन करना सीखो। हम कई बार ये शब्द कह देते कि कितना हम सहन करें, हम ही सहन करें क्या, हम सोचते हैं सहन करना कोई बोझ है, हम सोचते हैं कि सहनशीलता कोई एक वीकनेस है, कहते हैं जितना आप झुकते जाओगे ना उतना मार पड़ता जाएगा, इसलिए आप खड़े हो जाओ, आप सहन नहीं करो। देखो खड़े हो जाना, मार का सामना करना, सहन करना, ये सभी एक चीज नहीं है। आप मार इसलिए खा रहे हो कि आप सामना नहीं कर रहे हो, आप सामना इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप सामना नहीं करना चाहते हो। अरे सामना करना सहन करना दोनों अपोजिट नहीं है, सहनशीलता है,
सहन शक्ति है, सहन करना एक मर्यादा है, सहन करना एक सभ्यता है, सहनशीलता एक गुण है, सहन शक्ति एक ताकत है मनुष्य की। जो ताकतवान है वही सहन कर सकता है, जिसमें ताकत नहीं है अंदरूनी वो सहन नहीं कर सकता। इसीलिए सहन करना इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्ट करना नहीं है सहन करना। कोई बार बार आपको टॉन्ट कर रहा है ताकि आप क्रोधित हो जाए, है ना, प्रोवोक कर रहा है वो, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। जैसे वो टॉन्टिंग करता है तो आप बरस पड़ते हो। तो ताकतवान कौन हुए? आप ताकतवान हुए नहीं ना, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन, टॉलरेंस इज अ पावर, पेशेंस इज अ पावर। अगर हमारे अंदर ये टॉलरेंस है ही नहीं है तो जीवन का कोई भी आनंद हम अनुभव नहीं कर सकते। समझिए, आपने जमीन में एक बीज डाला, अच्छी तरह से पानी गोबर दे के, खाद दे के उस बीज को सींचा भी आपने, लेकिन आपके अंदर 15 दिन के अंदर आपके मन में इतना इंपेशेंस आ गया, फिर आप उसे खोद के देखते हो बीज अभी उगा कि नहीं हुआ, फिर आप मट्टी से बंद करते हो, तो क्या वो बीज फल दे सकेगा? बीज को भी सहना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा। बीज को पानी को सहना पड़ेगा, धूप को सहना पड़ेगा, मिट्टी को सहना पड़ेगा, और अंदर से फूटना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा जब बीज सहन करेगा। और बीज इतना सहन करके ऊपर फल बन के आए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने आप को, तब ही तो फल निकलेगा। इसलिए सहन, जो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को समझाया कि जो बाहर की दुनिया से आने वाले शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, ये अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है। आज दुख है मतलब जिंदगी भर दुखी होगा ऐसे नहीं, आज सुख है जिंदगी भर सुखी होगा ऐसे भी नहीं है। आगम पाइनो मना, आते हैं जाते हैं, अनित्या है। इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से थोड़ा सा सहन करो। लेकिन अगर मैं सहन करती भी रहूं, सबसे बोलती भी रहूं, मैं सहन कर रही हूं, मैं सहन रही, मैं कितना सहन करूं, मैं कितना सहन करूं, मैं ही क्यों सहन करूं, इसको सहनशीलता भी नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान ये जो कला पहले बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए हमारी लिए कहते हैं कि ये समझ कर सहन करो, ये सब आज है कल नहीं होंगे। जैसे देखिए, आप जा रहे हो, बस में बैठे हो, एक बुजुर्ग माताजी चढ़ती है, उसके हाथ में कुछ सामान है, एक बच्चे को भी पकड़ रखा है, आपके ऊपर वो गिरती है बार बार, वो खड़ी है और आप बैठे हैं, बार बार गिरते हो, गिरती है, आप चुप बैठते हो, बाजू वाले पूछते हैं, अरे उसको बोलो ना ठीक खड़े होने के लिए, क्यों चुप बैठे हो, आपने तो रिजर्वेशन लिया हुआ है, आपका सीट है, आराम से बैठना आपका हक है। तो आप कहते हो कोई बात नहीं ना, बस यही उतरना है ना, आगे ही तो उतरना है, नेक्स्ट स्टॉप पे मुझे, तो थोड़ी दूरी के लिए क्यों अनबन कर ले हम आपस में, देखिए बस थोड़ी दूर ही तो है ना, इसके लिए क्यों अनबन कर ले हम आपस में, जिंदगी भी तो थोड़ी दूर ही है ना, जिंदगी की रास्ते में आज जो है वो कल रहना नहीं है ना, तो इसके लिए चिंता काहे करें हम, शोक क्यों करें। ये भगवान जैसे कि आत्मा का ज्ञान देने से पहले अर्जुन को एक सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होना ही है, ये प्रकृति नियम है, शीत उष्ण सुख दुख सारे, इसके बारे में सोचो नहीं क्योंकि आज है कल नहीं रहेंगे। जैसे कि दोपहर में सूरज इतना तेज है, शाम होते ही होते रात को जब ठंडी बहुत कटकट कट ठंडी होगी, लगेगा अरे सूरज का धूप होता तो बहुत अच्छा, ये मनुष्य स्वभाव है। जो नहीं है उसके बारे में सोचना ही तो मनुष्य स्वभाव बना लिए हम लोगों ने। और जो भी
प्रकृति है या जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे सामने देखने को आ रहा है, ये सब परिवर्तनशील है, शाश्वत तो है नहीं। इसके बारे में हम शोक करें, इसलिए जैसे देह अनित्य है और देह के साथ घटने वाली घटनाएं अनित्य है, माना परमानेंट नहीं है, उसके फलस्वरूप जो हमें छोटे मोटे असर होते हैं वो भी अनित्य है। तो नित्य क्या है इसको जब हम जान जाएंगे तो अनित्य की ओर से हमारी नजर हट जाएगी। जब बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत दूर चलने के बाद आप अपने गम्य स्थान पर पहुंचते हो, चलने में बहुत थकावट हुई, आप बहुत थक गए, लेकिन जब हम गम्य पे पहुंच गए, लक्ष्य पे पहुंच गए, तो खुश हो जाते हैं कि आखिर मिल गया। इतने लंबे रास्ते तय करके आए, परेशानी हुई, सब भूल जाता है। ऐसे भगवान भी कहता है अनित्य के बारे में चिंता मत करो, उसका सहन करो, क्योंकि नित्य सत्य इससे बहुत कुछ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। उसको जानने के लिए अनित्य में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, इसका थोड़ा सहन कर लो। और सहन करने से फायदा क्या है, थोड़ा सा हम ये जरूर याद करेंगे। सहन करने से फायदा क्या है, पहली तो बात है आत्मा का मूल गुण है सहनशीलता। सहन करने से आत्मा के अंतर की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि एक मूर्ति को बनाना है तो मूर्तिकार बहुत सारे हथौड़े मारता है, फिर भी मूर्ति चिढ़ता नहीं है और वो सहन करते हुए पत्थर से मूर्ति बन जाता है। पत्थर से मूर्ति तक का सफर आसान तो नहीं है, लेकिन सहनशीलता की ताकत से पत्थर मूर्ति बन जाती है। इसी तरह जीवन में दुख से, अशांति से, शोक से, शाश्वत रीति से मुक्त होना चाहते हैं तो अनित्य में जो हो रहा है, अशाश्वत जो है, उसके बारे में थोड़ा सा सहन शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरत है। और इसीलिए भगवान कहता है शरीर की अवस्थाओं के प्रमाण शरीर छोड़ना भी एक नियम है, इस दुनिया का एक रीत है और इसको कोई बदल नहीं सकता। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि शरीर छोड़ना कि जीवन का अंत नहीं है, जीवन निरंतर है। निरंतर जीवन के आनंद को अनुभव करने के लिए, अनंत परमात्मा को पहचानने के लिए, अनित्य स्थिति से बाहर उठकर सत्य की ओर बढ़ने के लिए गीता ज्ञानामृत का साथ यूं ही बनाए रखेंगे। ओम शांति। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, दीदी जी ने समझाया कि गीता ज्ञान एक अनमोल पूंजी है जिसमें हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान निहित है। जिस प्रकार महाभारत में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी हर छोटी बड़ी परेशानी का हल बताया, ये प्रतीक है कि भगवान ही गीता ज्ञान के माध्यम से हम मनुष्य आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन गतिशील है और मृत्यु इसका एक अटल पड़ाव है। इस सत्य को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। गीता ज्ञान द्वारा भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि अविनाशी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण कर विश्व रूपी मंच पर अलग अलग किरदार निभाती रहती है। इस सच्चाई को समझने से हम अपने जीवन रूपी नैया को सहज ही पार कर सकते हैं। गीता ज्ञान हमें यह भी समझाती है कि इस दुनिया में हमें दुख सुख जो भी मिलता है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना व्यर्थ है। इस माध्यम से भगवान बार बार यह भी समझाते हैं कि सहन करना एक ऐसी शक्ति है जो बाधाओं को पार करने का बल देती है। इसीलिए हमें दुख की परिस्थिति को सहन करके आगे बढ़ना ही होगा। तो क्यों ना हम स्वयं को
परमात्मा से जोड़कर अपने भीतर ये शक्ति भरे। ओम शांति।